हरियाणा की मेवात पुलिस को 20 इनोवा गाड़ियां दी गई हैं। आपको बता दें कि अब 100 नहीं, अब 112 होगा। पुलिस मदद के लिए टोल फ्री नंबर। जिला नोडल अधिकारी सुरेंद्र सिंह डीएसपी के मुताबिक 100 नंबर की जगह अब डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस एंड स्पोर्ट्स सिस्टम 12 जुलाई से शुरू हो चुका है। अब यदि किसी को पुलिस, एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड की तत्काल सहायता की जरूरत है तो वह सीधे 112 नंबर पर कॉल कर सकता है। इस योजना के तहत पंचकुला में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। निश्चित तौर पर डायल 112 के तहत एक ही नंबर पर आपातकालीन सभी सेवाएं मिलने से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि सोमवार से कंट्रोल रूम में आपातकालीन 100 नंबर बंद हो गया है। ऐसे में पुलिस सहायता लेने के लिए लोगों को अब 112 डायल कर मदद लेनी होगी। यह कॉल भी थाने में नहीं जाएगी बल्कि सीधे तौर पर योजनाओं को लेकर भेजी गई इनोवा गाड़ी में लगे ऑनलाइन वायरलेस पर जाएगी। इस दौरान पीड़ित जहां से भी कॉल करेगा उसकी लोकेशन अनुसार जो भी गाड़ी नज़दीक होगी वह तुरंत मौके पर जाएगी। समाधान नहीं हुआ तो आएगी थाना पुलिस। आपको बता दें कि एक इनोवा गाड़ी में चालक सहित 3 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। सभी डायल 112 पर शिकायत मिलते ही शहर में 15 मिनट और गांव में 20 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाएगी, जहां मौके पर पीड़ित व दूसरे पक्ष के साथ पूछताछ की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर नज़दीकी थाना पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि जिले में कुल 10 पुलिस स्टेशन हैं। इन सभी को डायल 112 के लिए 2-2 इनोवा गाड़ियां दी गई हैं। इन गाड़ियों में चालक से लेकर जो पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं सभी को 1 महीने पहले ही डायल 112 के लिए ट्रेनिंग दी जा चुकी है। आपको बता दें कि मेवात जिले के एसपी नरेंद्र सिंह बिचारनिया के मुताबिक 10 थानों में 2-2 इनोवा गाड़ियां दी गई हैं। पुलिस वाहक के लिए डायल 112 प्रोजेक्ट एक क्रांतिकारी कदम है और इसके माध्यम से लोगों को आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त होगी। आपको बता दें कि जिला नूह में इस प्रोजेक्ट के बेहतर काम के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। आपको बता दें कि पंचकुला में बनाए गए स्टेट कंट्रोल रूम में हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा हरियाणवी 4 भाषाओं में काम करने की व्यवस्था की गई है। अब किसी भी इमरजेंसी में इन 4 भाषाओं में लोग डायल 112 का लाभ उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुलाई को हरियाणा की जनता को 600 गाड़ियाँ, करीब 300 करोड़ रुपए का बजट है और इसके 600 गाड़ियाँ हरियाणा को उपलब्ध कराई गई है। इन गाड़ियों के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं और हमारे जिले के अंदर 20 गाड़ियाँ आई, 20 गाड़ियों के अंदर हर थाने के 2-2 गाड़ियाँ दी गई, उनको रूट दिया गया है, जगह दी गई है, लोकेशन दी गई है और उसके अंदर कम से कम समय में करीब 15-20 मिनट के अंदर जो कॉल करने वाला आदमी है, जो विक्टिम है, उसकी सुनवाई के पुलिस उसके पास सामने मौके पर होगी। डायल 112 में 300 सुविधाएँ उपलब्ध होगी, पुलिस भी मिलेगी, फायर ब्रिगेड भी मिलेगी, एम्बुलेंस भी मिलेगी। अब लोगों को बार बार कहीं और जगह डायल करने की जरूरत नहीं है, इस पर सारी सुविधाएँ मिलेगी और जो पुलिस मतलब आम शिकायत करता है, विक्टिम आदमी है, उसके पास तुरंत पहुँचेगी।